अब हम क्या करेंगे अर्थुरल? जिन साजिशों में हम घिरे हुए हैं उनसे किस तरह निकल पाएंगे? परेशान मत हो हलीमा सुल्तान, मुझे अपने परवरदिगार पर पूरा भरोसा है। सारे मामलात आपके खिलाफ हैं अर्थुरल। अभी मंगोलों की आफत से निकले नहीं थे कि सलजूक के वजीर के कत्ल का इल्जाम लग गया। हमने जिस रास्ते को मुंतखब किया है उसमें हमारा दुश्मन हमें चैन नहीं लेने देगा, और मुझे भी चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उनके लिए उनकी मौत का फरिश्ता ना बन जाऊं। साबित कदम रहना है, खौफजदा नहीं होना, क्योंकि यह मुसलमान को सेब नहीं देता। चलो वापस जाओ कबीले, और किसी से इस मुलाकात का जिक्र मत करना। कबीले में गद्दार मौजूद है, सबको आंखें खुली रखना होंगी। मैं उस गद्दार का पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा। अगर शहादत हम दोनों का मुकद्दर है तो उसे साथ मिलकर बहादुरी से कबूल करेंगे हम। इस जहान में दूर है तो कोई परवाह नहीं, लाफानी जिंदगी में साथ होंगे हम। दूरी मोहब्बत को और बढ़ाती है हलीमा सुल्तान, और किस्मत सिर्फ कोशिश को जानती है। हम कोशिश करते रहेंगे कि दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए, हम कोशिश करते रहेंगे कि साजिशों के ये जाल टूट जाए, हम कोशिश करते रहेंगे कि इंसाफ का बोलबाला हो जाए।